पंजाब में बहुत अच्छा माहौल है, पूरे देश में इस समय परिवर्तन का माहौल है, लोग बदलाव के लिए उठ रहे हैं। लोग ये चाहते हैं कि 10 साल जो हुकूमत चली है उस हुकूमत को बदलना चाहते हैं। लोगों को लग रहा है कि ये हुकूमत रही तो ये लोकतंत्र को के लिए खतरा हो जाएगी, संविधान को बदलेंगे और जो जिन मूल्यों मान्यताओं पर भारत चल रहा था ये उसमें बदलाव लाएंगे, संविधान को बदल देंगे। तो इसलिए लोग ये चाहते हैं कि इनको हटाया जाए और इसकी जगह पर विकल्प के रूप में कांग्रेस और इंडिया को लाया जाए, इंडिया गठबंधन। पहली बार महागठबंधन के एक साथ कई पार्टियां इकट्ठी होकर बीजेपी का मुकाबला करते हैं, सर क्या लगता है ये जीत होगी? हाँ, ये बहुत हमारे बुद्धिमत्तापूर्ण कदम रहा, सब नेता लोग मिले और एक संदेश गया इससे कि ये सब पार्टियां एकजुट हैं और जो पार्टियां एकजुट हुई हैं उनको 2019 में भी 67% वोट मिला है। तो मैसेज ये गया कि ये गठबंधन जीत सकता है, जो आवश्यक था कि मोदी को पराजित किया जा सकता है, भाजपा को पराजित किया जा सकता है और आज उसी का परिणाम है कि बदलाव की हवा चल पड़ी। सर अलग अलग राज्यों में बहुत सी क्षेत्रीय पार्टियां जो विन करती हैं आगे आती हैं लेकिन लास्ट में जाके कुछ राज्य इस बार जो है ये लोकसभा के चुनाव के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं ताकि संविधान बचाया जा सके, ताकि लोकतंत्र बचाया जा सके और एक जो तानाशाही की प्रवृत्ति आ गई थी उस प्रवृत्ति को समाप्त किया जा सके। तो एक निश्चित मत को लेकर के हम लोग सब एकजुट हुए हैं। राज्यों में हमारे स्वार्थ अलग अलग हो सकते हैं लेकिन संविधान बचाने के लिए और देश को और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम एक राय हैं और इसलिए सब एकजुट हुए। मेन पॉलिसी सर क्या सोच रखे हैं जिनको आगे यूथ तक पहुंचाने का जतन कर रहे हो, क्या चीज़ को अपना दिखा के वोट की डिमांड कर रहे हो? हमारा बिल्कुल साफ सहमत है कि आप अपने को देखिए। हम लोगों से कह रहे हैं कि भाजपा ने पिछले सभी चुनावों में 2014 से लगातार ये कहा कि एक व्यक्ति को देखो, एक चिन्ह को देखो, ये नहीं कहा कि तुम अपने को देखो। हमने इस बार लोगों से कहा अपने को देखो, अपनी रसोई को देखो, अपने घर को देखो। यदि तुम्हारी रसोई में तुमको लगता है कि महंगाई की मार है, तुम परेशानी महसूस कर रहे हो, तो हम उसका उत्तर हैं। यदि आपको अपने घर में ये लग रहा है कि बेरोज़गार नौजवान लड़के लड़की अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारी नातीदारी में देख करके उनके बुझते हुए चेहरे और उनकी सूखी हुई आँखों को देख करके तुमको लगता है कि ये ज़्यादती हुई है, तो हम विकल्प हैं। हम एक एक्शन प्रोग्राम लेकर के आए हैं उन नौजवानों के लिए, उन लड़की लड़कियों के लिए। हम विकल्प हैं, आप हमको देखिए। हमने ये कहा कि यदि आपको लगता है कि भ्रष्टाचार बड़ा है और आपको भ्रष्टाचार का सामने दो चार होना पड़ रहा है तो उसका विकल्प हम हैं। हमने लोगों से कहा गरीब अमीर के बीच की खाई बढ़ रही है, किसानों से कहा तुम्हारी सुनी नहीं गई, तुमको MSP नहीं दिया गया, तुमसे जो वादे किए उसको पूरा नहीं किया गया और बदले में तुमको लाठियां दी गई, तो किसानों के सम्मान की बात है। हमने किसानों से कहा अपने को देखिए, हमने हर इंसान से मजदूर से कहा अपने को देखो, अपनी समस्याओं को देखो, अपनी दिक्कतों को देखो। यदि तुम्हारी दिक्कतें कह रही हैं कि परिवर्तन आना चाहिए तो फिर परिवर्तन लाओ, हम परिवर्तन के लिए हैं। और इसीलिए हमने 25 अपने 5 न्याय और 25 गारंटियां जारी की, जिसमें हमने कहा कि हम 30 लाख पद जो खाली पड़े हुए हैं केंद्र सरकार के उनको भरेंगे, नौकरियों का दरवाज़ा खोलेंगे। हमने ये कहा कि प्रत्येक नौजवान को अप्रेंटिसशिप करवाएंगे और उसका खर्चा उसको 8,500 रुपया महीना जो है वो देंगे, वजीफा देंगे और एक साल की अप्रेंटिसशिप करवाने के बाद उसकी नौकरी की गारंटी करेंगे।
नौकरी देंगे। और हमने महंगाई के लिए हमने कहा है कि हम जो 5 किलो अभी तक लोगों को गेहूं चावल मुफ्त दिया जा रहा है, हम इसकी मात्रा दुगनी करेंगे, हम 10 किलो करेंगे। हमने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो प्रत्येक परिवार की जो सबसे सयानी महिला है उस महिला का खाता खोलेंगे, उसमें 1 लाख रुपये डालेंगे, हर साल 1 लाख रुपये डालेंगे, ताकि जो घर के खर्चे आज GST और चीज़ों के कारण हर चीज़ महंगी होगी, कोई चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो महंगी नहीं होगी, जिससे लोगों का बजट अव्यवस्थित नहीं हो गया। तो हमने कहा कि हम 1 लाख रुपये महिला के खाते में डालेंगे। भोजन माताएँ, आंगनबाड़ी, आशा की बहनों को हम उनका मानदेय दुगना करने का काम करेंगे। और महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देंगे। सर, आप पंजाब के प्रभारी रहे हो, मुश्किल की थी कि यहाँ, क्योंकि यहाँ में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लोगों की क्या मुश्किल है? देखिए, सरकार किसी की हो, मगर हमारा मानना यह है कि लोकसभा के चुनाव में लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे और कांग्रेस मुख्य प्रमुख दल है, कांग्रेस को वोट देंगे। सर, महामंत्र गठबंधन में पीएम का चेहरा किसको मानते हैं? पहले हम बहुमत हासिल करेंगे, यदि ले लेते हैं फिर बहुमत हासिल करेंगे, उसके बाद बैठेंगे, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। तो उसी जानते हो 2004 में भी लोगों ने यही सवाल किया कि भाई थोड़ा प्रधानमंत्री कौन है। हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को लाए और उन्होंने 10 साल शानदार तरीके से सरकार चलाई और पूरी देश की व्यवस्था बढ़िया तरीके से चली। तो हम